हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यह आपका समीकरण दिया हुआ 5x-4y+8=0 और 7x+6y-9=0। यह समीकरण क्या करना है, इसमें डालना है इसका मान, इसके बाद बताना है कि यह जो समीकरण का ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। इसको क्या करना है यार, इसके ऊपर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके बताना है। चलो हम इसको क्या करेंगे, बता रहे हैं इसके बारे में। आपका सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका यह दो समीकरण दिया था, इसको हम क्या करेंगे, हम ये 5x-4y+8 क्या है, 0। इसको क्या करेंगे हम, इसको a1 मानेंगे। a1 बराबर कितना दिया है, 5, कॉमा b1 बराबर कितना दिया है, -4, कॉमा c1 बराबर कितना दिया है, 8। अब समीकरण दो में चलेंगे, इसमें हम इसमें क्या दिया, a2 बराबर कितना दिया है, 7। इसमें b2 बराबर कितना दिया है, 6, कॉमा c2 बराबर कितना दिया है, -9। अब इसको क्या करना है, कहता है अनुपातों के इसके a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करना है। इसके इसमें क्या करेंगे, डालेंगे जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2। यह कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। अब इसमें क्या करेंगे, a1 का मान कितना है, 5 है, a2 का मान कितना है, 7 है, फिर b1 का मान कितना है, -4, b2 का मान कितना है, -6, c1 का मान कितना है, 8, c2 का मान कितना है, -9। अब इसमें क्या है, ये इसका तुलना जो है यहाँ पर कर रहा है अनुपातों के तुलना करके। अब यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, कट कर देंगे। इसका हम आपको एक चार्ट बता रहे हैं, जैसे इसमें है देखो, पहले a1/a2 b1/b2 ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अगर आपस में बराबर नहीं तो इसका कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, इसको क्या नाम किया है, अविरोधी। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2, देखो यह दोनों क्या है, ये दोनों b1/b2 c1/c2 अगर बराबर नहीं है तो इसका कितना हल होता है, कोई हल नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, विरोधी। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो समांतर होता है। अगर यह तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों के तीनों बराबर तो इसका कितना हल होगा, अनेक हल। इसका क्या होता है, नाम क्या है, आश्रित। इसका ग्राफ कैसा होता है, संपाती। इस चार्ट अगर आप लोग याद कर लेंगे तो कम से कम इसमें बोर्ड एग्जाम में दो नंबर फिक्स है, दो नंबर नहीं तो एक नंबर तो फिक्स आएगा ही आएगा। देखो तो यह मेरा किस रूप में है, ए रूप में, ए रूप का ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। देखो यह किस रूप में, इस रूप में है, तो यहाँ कह रहा है ना कि यह प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या क्या है, कह रहा है प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, तो यह क्या है तुम्हारा, प्रतिच्छेदी है। देखो यह जो मेरा लिखा है वह किस रूप में लिखा है, यह लिखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2, यह इस रूप में लिखा है, तो इस रूप में लिखा हुआ को क्या बोलते हैं। देखो अगर इस रूप में लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे रेखाएँ क्या है, प्रतिच्छेदी है, रेखाएँ क्या है, रेखाएँ क्या है, प्रतिच्छेदी है, हो गया। इसमें आपका तीनों चुनना था कि जो यह समीकरण है कि प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, तो यह जो मेरा है वो क्या है, प्रतिच्छेदी है, क्योंकि यह चार्ट में दिया हुआ है।
अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या है, प्रतिच्छेदी है। अगर यह ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, समांतर है। अगर तीनों के तीनों बराबर है तो क्या है, ये रेखा ग्राफ क्या है इसका होगा, समानुपाती होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। इसमें समीकरण यह है, एक है या दो है, इसमें ए वन कितना है, ए वन बराबर 9, बी वन बराबर 3, सी वन बराबर कितना है 12, इसका ए टू बराबर कितना है 18, इसका बी टू बराबर कितना है 6, सी टू बराबर कितना है 24। फिर इसको क्या करेंगे हम, दो चार रखी समीकरण का व्यापक रूप पर ले जाएंगे इसको हम, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। अब इसमें क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ए वन का मान कितना है 9 है, ए टू का मान कितना है 18, फिर बी वन का मान कितना है 3, बी टू का मान कितना है 6, सी वन का मान कितना है 12 और सी टू का मान कितना है 24। अब इसको कट करेंगे, 9 दूना कितना होगा 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यह क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये आपका क्या है, तीनों के तीनों बराबर आ रहा है, तीनों के तीनों बराबर आ रहा है, तो यह किस रूप में आ रहा है, यह ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, या इस रूप में आ रहा है, तो इस रूप में आ रहा है, यानी इसके रूप में आ रहा है, ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू बराबर है सी वन बटा सी टू। अगर ये तीनों के तीनों बराबर तो इसका कितना हल होता है, अनेक हल, अनेक हल होता है। इसका जो नाम है वो क्या है, आश्रित है। इसका ग्राफ कैसा होता है, समपाती होता है। तो यह आपको क्या कहलाएगा, देखो इसका ग्राफ कैसा है, ग्राफ लिखा है ना, ग्राफ क्या होता है, समपाती होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम रेखाएँ क्या है, समपाती है, रेखाएँ क्या है, रेखाएँ समपाती है, हो गया। दो का क्वेश्चन नंबर तीन में चलेंगे, यह समीकरण एक है, यह समीकरण दो है। इसमें कितना दिया है, 6x-3y+10=0, तो यह ए वन हो जाएगा, ए वन बराबर कितना है 6, बी वन बराबर कितना है 3, सी वन बराबर कितना है 10। इसके बाद ए टू, ए टू बराबर कितना है 2, बी टू बराबर क्या है y है, तो y को क्या लिखते हैं, एक लिखें कि हम 1, सी टू बराबर क्या है 9। फिर इसको ये फॉर्मूला में डालेंगे हम व्यापक रूप पर, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। तो ए वन का मान कितना दिया हुआ है, ए वन का मान कितना है 6, और ए टू का मान कितना है 2, बराबर बी वन कितना दिया है 3, और फिर क्या बी टू कितना दिया है 1, बराबर सी वन कितना दिया है 10, और सी टू दिया है 9। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या बराबर है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 से 3 बार में कटेगा, 2 × 6 यह कितना हो जाएगा 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 2 × 6 कट गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे, यह तुम्हारा क्या होगा 3/1 बराबर, यह हो जाएगा 10/9। अब इसमें क्या है, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू क्या है, बराबर नहीं है। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो किस रूप में हो गया, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू, ये किस रूप में हुआ, ए रूप में हो गया। ए रूप का क्या होता है, यहाँ बताए थे देखो, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू सी वन बटा, देखो बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है किसका, सी वन बटा सी टू के। अगर ये क्या है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू के, तो यहाँ पर क्या है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है किसका, सी वन बटा सी टू का,
मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं थे। इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। इसका नाम क्या है, विरोधी। इसका हल कितना होता है, तो कोई हल नहीं होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, नाम क्या है, तो विरोधी। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो समांतर। तो यह रेखाएँ क्या होगी, यहाँ पर लिख लेंगे हम, रेखाएँ क्या होगी, समांतर। आपका ये तीनों हो गया। आपका देखो बुक में तीनों दिया हुआ है, इसमें यही तो पहचानना था। ये तीन आपको दिया हुआ था, लेकिन तुलना करके बताना है। ये तीन समीकरण दिया था, इसमें पूछना था यही कि कौन सा प्रयोग जो समीकरण है, या प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ये समीकरण का भी हल किए थे, इसमें भी चुना था कौन सा था, इसको हल करके प्रतिच्छेदी था कि समांतर है कि संपाती है। इसके बाद ये भी चुनना था कि इसका हल जो है वो कौन सा हल है, इसके तुलना करके हम बताए थे। इसको तुलना करके निम्नलिखित समीकरण युग्मों को, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है कि संपाती है, तो इसको भी तुलना करके हम चेक कर लिए कि इसका हल क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है। आप लोग इस चार्ट को क्या करेंगे, स्क्रीन शॉट मार के इसको पूरा याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में दो नंबर तो फिक्स आएगा ही आएगा। देखो अगर इसमें क्या है, इसका हल है ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू के। अगर ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू के बराबर नहीं रहेगा, तो इसका हल जो होगा क्या होगा, केवल एक हल होगा। एक हल वाले को नाम क्या होता है, अविरोधी। उसका ग्राफ कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी। इसके बाद इधर देखो, ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू। बी वन बटा बी टू बराबर किसका नहीं है, सी वन बटा सी टू का। अगर बी वन बटा बी टू सी वन बटा सी टू के बराबर नहीं, इसे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका नाम क्या है, तो विरोधी। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो समांतर। अगर ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू है, तो इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका नाम क्या है, तो आश्रित। इसका ग्राफ कैसे, देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो संपाती होता है। ये आपका एग्जाम हॉल में दो नंबर फिक्स आएगा ही आएगा इसे। अगर एक ग्राफ के बारे में आपको पूरे टोटल बेसिक से जानना है, तो मेरा दो चबा रखी समीकरण का पहला और दूसरा वीडियो को देखो, पूरे बेसिक से मैं इसके बारे में बताया है। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।